हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत। तो आज हम लोग दीदी के साथ में जा रहे हैं बहुत दिन के बाद। तो आज देखते हैं कहाँ जा पाते हैं अपन। तभी तो वेट कर रहे हैं लिफ्ट जी का। लिफ्ट आएगा फिर अपन जाएंगे। तो पूरे 2 महीने के बाद में दीदी के साथ में आज हम लोग जा रहे हैं तभी। और बस में ना जाके पैदल चरण बस में जा रहे हैं और टैक्सी में भी नहीं जा रहे हैं। मैं बड़ों साथ में बहुत दिन के बाद निकली हूँ तो अपन जाएंगे पैदल। तो चलिए पैदल हम लोग का सफ़र तय करते हैं। तो कहानियाँ लागो थे ढेर दिन के बाद में संगे नहीं गलते होता। कैसा लगे? बहुत बढ़िया लागो थे और कई सुंदर लगे। ऊपरे मर ले कहो थे इसमें दिन भर मर दीदी के पका एक वाली। यहाँ पे ना एकदम मस्त ओल्हाया हुआ ना कोई नार साग है, एकदम ताज़ा एकदम लोभ लोभान ओल्हाया है कोई नार साग एकदम साफ लग रहा है। पता है तोड़ने देते तो तोड़ लेते, फिर दीदी के साथ मस्त उबाल के भूज के खाते हैं। पसीना यार, सच में इतना धूप ना क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूप। पैदल तो जा रहे भारी था से, लेकिन हालत भी ख़राब हो रही इतना गर्मी। तो आज अपन बहुत दिन के बाद में इधर ग्रैंड रोड का मार्केट आए हुए हैं। दीदी को काम है थोड़ा, तो दीदी को कपड़े सिलाने के लिए देना है, तो इसके लिए आए हैं अपन। कहाँ बटे दीदी तो पता नहीं कितना बैग क्या करेगी, बैग ले रही है। नहीं हम लोग आए थे थोड़ा चप्पल शॉपिंग करने के लिए। बहुत अच्छा अच्छा तो आज हम लोग दीदी के साथ में बहुत घूम रहे हैं। उधर दीदी वीडियो कॉल में बात कर रही है और आज हम हैं ग्रैंड रोड का ब्रिज में। अगला चौहा है वीडियो कॉल, ये दोनों तो तापिती का। ओए ए लड्डू पड्डू पड्डू गोलू मोलू हंसते रहता है किसी टाइम भी। जब देखो ना तब ना बस उसका फेस में स्माइल रहता है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यार। ऐसे है ब्रिज में ना, कभी भी ना लड़की लोग अकेले मत आया करना। ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन दीदी है कर रही हूँ। कभी भी ना मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, ऐसे ब्रिज में ना मत आना अकेले, सेफ नहीं है यार। पूरा देखिए ना आप लोग, पूरा दारू बोतल प्लस वहाँ पे 2 बंदे लोग फिर आगे भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तो आज दीदी थी इसलिए मैं आ गई, मैं तो नहीं आती हूँ कभी भी। मैं तो आज हम लोग दीदी के साथ में बहुत दिन के बाद अगस्त क्रांति पार्क आए हैं घूमने के लिए। 2018 में कभी ना बहुत ज़्यादा आया करती थी, फिर अभी बिल्कुल भी बंद हो गया था। तो आज फाइनली दीदी के साथ में आई हूँ और बहुत चेंज हो गया है आजकल यहाँ का पार्क, बहुत चेंज किए हैं यहाँ पे, पहले ऐसे नहीं था। पहले हर जगह ना बाउंड्री रहता था, अभी किधर भी ना बाउंड्री नहीं है, सब तरफ का को खोल दिए हैं। चल कटे घूम ले। तो कुछ ऐसे है अगस्त क्रांति पार्क, आप लोग भी आ सकते हैं। पार्क तो नहीं बोलते, मैदान बोलते हैं, लेकिन मैं पार्क बोल दे रही हूँ ने? तो ऐसे है जी, ऐसे चेंजिंग लाए हैं इधर। यस, तो कैसे लग रहा है यहाँ का व्यू आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन आते हो
कमेंट करके जरूर बताना। तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा रील्स बनाऊंगी, हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा। तो आज तो अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बाद में भीड़ होगा लगता है, आराम से रहेगी भाई मैं। तो दीदी पूरा खाने के लिए बना के लाए हैं, तो थोड़ा बाहर निकलो तो छटर पटर कुछ भी खाने को मन करता है ना, घूमते घूमते भूख लगता है, तो दीदी लेके आई है। तो चैन से ना कोई खाने ही नहीं देते, पता है हम लोग खा ही रहे थे, जस्ट एक बाइट ही खाई थी मैं तो, और क्या बोलते उधर पूरा काम चल रहा ना पार्क का, ये पार्क का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उधर काम चल रहा, तो फिर अपने पाना पड़ गया इधर ग्रीन साइड, तभी हम लोग दीदी के साथ बैठ रहे हैं छाया में, फिर थोड़ा करेंगे पेट पूजा, पता नहीं गंदा है कि क्या। तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्रीन साइड, तो अभी नूडल्स के बाद में चिल्ड्रा रोटी खा रहे हैं, पूरा पेट पूजा चल रहा है क्योंकि अच्छे से खाना खा के ही नहीं निकले, पता नहीं मेरा तो आदत हो गया संडे के दिन ना भूख ही नहीं लगता है, तो मैं अच्छे से खा के निकली ही नहीं थी, तो दीदी को बोली थी मेरे को भूख लगेगा करके, तो दीदी बना के लाई है पूरा रोटी पाटी, खाने पीने का पूरा फुल तैयारी। तो यहाँ पे हम लोग का घूमना हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं, दीदी एक दीदी हम लोग के पास आ गए टैक्सी में, तो अभी हम लोग जाएंगे टैक्सी में। तो दीदी पीछे मिल गए, जा रहे हैं चर्च, चलते हैं, ये मेरे लिए नया है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जा रही हूँ, इससे पहले यहाँ का चर्च कभी नहीं देखी, उतना साल मुंबई हो गया लेकिन मेरे पास का चर्च नहीं देखी हूँ, तो आज देखूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है, बने रहिएगा। हाँ कहाँ थे ना है, तो चर्च खत्म हो गया है और यहाँ का चर्च बहुत अच्छा लग रहा है, पता है बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा है यहाँ का चर्च भी। तो समस्या खत्म हो गया है, अभी जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं ऊपर क्या है, नया नया लग रहा है बहुत ज़्यादा, नया नया। तो आज का जो भी चर्च ब्लॉग था यही ख़त्म करती हूँ, अभी सेकंड ब्लॉग चालू करूँगी क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, अभी करमा नाच सीखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में करमा ब्लॉग के साथ में।